दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो पाइपलाइन होती है, पीवीसी पाइपलाइन, वो कहीं से भी टूट जाए तो उसको आसान तरीके से कैसे रिपेयर करें। यानी कि हमारी ये जो ड्रिप की पाइपलाइन है, वो इस तरह यहाँ पे बड़ा छेद हो गया है, तो उसको कैसे रिपेयर करना है, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये रिपेयर करने में सबसे पहले तो आपको इसको अच्छी तरह से सफाई कर लेना है, ताकि धूल मिट्टी कचरा जो भी है वो एकदम से साफ हो जाए। तो हमें ऐसे जितनी हमारी ये 2.5 इंच की पाइप है, तो हमने ऐसा ही एक टुकड़ा लिया है 2.5 इंच इसका, और उसको इस तरह यहाँ से काट लिया है। देखिए इतना हमें काटा है और इतना बड़ा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन ट्यूब आता है इस तरह का, तो वो लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। दोनों साइड हम सॉल्यूशन ट्यूब लगाएंगे और फिर इसको इस तरह पैक कर देंगे। तो आगे वीडियो में बने रहे, हम किस तरह यह कार्य करते हैं वो देखते रहिए। हमने दोनों साइड सॉल्यूशन लगा दिया है। अब हमें इस तरह जहाँ भी हमारी जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई हो, फटी हुई हो, तो वहाँ से हमें जो बीच वाला भाग है, यानी कि हमने काटा है, उसके सामने का हिस्सा रखना है इस तरह। देखिए ये हो गया पैक अपना, और उसके ऊपर हम इस तरह कोई तार ले सकते हैं या कोई डोरी वगैरह ले सकते हैं, और हम इसको 20 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इस तरह आप भी अपने जो खेत में या कहीं पर भी ऐसी पाइपलाइन होती है जो इस तरह कहीं भी लीक हो जाती है, टूट जाती है, तो इस आसान तरीके से आप इसको बिना कुछ परेशान होए इस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको भी ऐसी दिक्कत आए तो यह सॉल्यूशन आप अपने घर पर ही कर सकते हैं।